गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। और आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। हमारे हर सैटरडे को प्रसाद में हलवा आता है, पर नहीं साहब, इनको तो घर का ही खाना है। तो ये देखो गाजर का हलवा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घिस रहे हैं हम। छोटी चाल के दो दाल की मैंने रखी है, बीच में मैं वीडियो बनाने लग गई। घिस रहे हैं, दिखाएंगे आपको पूरा हलवा। तो गाइज, ये थी 2 किलो गाजर और 2.5 किलो दूध, और दूध में चढ़ा दिए मैंने गाजर चढ़ा दिए दूध में। अभी ये अच्छे से बॉयल, इसमें ये पकेगी, मतलब ये पूरा बनने के बाद आपको दिखाएंगे। गाइज देखो, थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है, ये पूरा दूध सूख जाएगा, पूरा दूध सूख जाएगा, तब चीनी डालेंगे इसमें। मैं दिखाऊंगी आपको चीनी डालते हुए सब। और ये पकने लग गया है, थोड़ा दूध का कलर चेंज होने लग गया है। तो गाइस देखो, ये उबल उबल के इतना सा रह गया है, अभी तो बहुत सूखना बाकी है इसका, और ये सूखेगा जब इसमें चीनी मिलाएंगे। उबल उबल के इतना सा रह गया है, इतना सूख चुका है पानी। अब इस स्टेज पे अभी और सूखने देंगे, चीनी थोड़ा और लेट डालेंगे जब इसका पूरा दूध सूख जाएगा। देखो सूख सूख के कितना कम हो गया है, इसको और सूखने देंगे। और सूखने देंगे और फिर इसमें चीनी डालेंगे। सूख चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, तब इसमें डालेंगे चीनी। तो इसमें चीनी डालेंगे, और अभी ये काजू, इलायची और बादाम पीस के डालूंगी। भाई बच्चे ऐसे निकालते हैं साबुत को बाहर, वैसे तो रोस्ट करके डालते हैं, पर गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और मैं पीस के डालूंगी क्योंकि ये लोग निकालते हैं फिर खाने में से, बीच बीच में से। और किशमिश भी डालेंगे, किशमिश भिगो के फिर बाद में डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे किशमिश, को नहीं पीसेंगे। इस स्टेज पे डाल देंगे चीनी, शक्कर। अब मैं से डालूंगी चीनी, पिछली बार बनाया था तो बहुत लेट हो गया था, थोड़ा अंदाज से डालूंगी। गाजर ऑलरेडी मीठी होती है तो चीनी थोड़ी कम ही डालनी है, और हम लोग वैसे भी चीनी थोड़ी कम खाते हैं। चीनी डाल देंगे और अब इसको वापस से पकने देंगे अच्छे से। चीनी को मेल्ट होने देंगे बढ़िया से, इसका जो पानी आएगा चीनी का को वापस सूखने देंगे, बढ़िया तरीके से सूखने देंगे। और इसी यहीं पे मैं ये ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल दूंगी। ड्राई फ्रूट्स वैसे रोस्ट करके डालते हैं गाइस, पर क्या बच्चे निकालते हैं फिर खाते नहीं है अच्छे से, तो मैं पीस के डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। देंगे
मोटा पीस देंगे, ये देखो, और ये इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि ये अच्छे से अपना मतलब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मेरी स्टाइल है बस, इसी स्टेज पे डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। किशमिश बाद में डालेंगे, किशमिश चिपकती है, और ये इसी स्टेज पर डाल देंगे ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखो बढ़िया से मिक्स हो गया। अब इसका पानी सूखने देंगे, अब जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो सूखने देंगे। और गाइस बाजार से कितना भी हलवा ला के खाओ आप, घर के बने हलवे की तो कुछ और ही बात है। और मैं ये तो आपको बता रही हूँ कि बाद में नेक्स्ट टाइम आपको इजी रेसिपी भी बताऊंगी कि इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। इसमें गाजर को ग्रेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही बनाते हैं कुकर में, और वो इतना टेस्टी नहीं लगता जितना ये लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है हलवा खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं मेहनत का फल, इसको बोलते हैं मेहनत का फल, और ये बहुत बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। बाकी तो आप बाजार के हलवा, बाजार का हलवा उसके कलर आता है अलग ही, पता नहीं कितना वो घी आता है, कौन सा घी आता है, कैसा घी आता है लगा हुआ। इसका पानी सूखने देंगे पूरा, और बन गया है हमारा हलवा। पानी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चीनी वाला पानी में। तो गाइस इतना सूख चुका है ये, अब इसमें थोड़ा सूखना और बाकी है, फिर इसको उतार लेंगे। घी मैंने डाल दिया है और फिर इसको उतार लेंगे, रोस्ट करेंगे गार्निशिंग के लिए। रोस्ट किए हुए काजू बहुत अच्छे लगते हैं वैसे हलवे में, थोड़े से काजू रोस्ट करेंगे और फिर डालेंगे। हो गया ना रोस्ट, वैसे घी में पहले 2 बड़े चम्मच डाल चुकी, मैंने उनका शूट नहीं किया, कोई बात नहीं, ज़्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए। ये रोस्ट किए हुए काजू बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मैंने आज आपको बताया गाजर का हलवा बनाना जो कि कैसे बनता है, और बहुत ही इजी रेसिपी है, कम मावा कम दूध में अच्छे से बना है ये। घर का बना हलवा खाइए, एंजॉय कीजिए, अपने परिवार को खिलाइए और मज़े कीजिए। घी में इसमें डालना है 2 चम्मच, वो मैं शूट करना भूल गई थी लास्ट में, मैंने ये थोड़े से घी में ये काजू रोस्ट करके डाले हैं, तो कि हलवे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।